और ये है डेडजिला, जो इन बर्फीले पहाड़ों में फंस चुका है, जिन्हें हम हिमालयों के नाम से जानते हैं। इन पहाड़ों से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकल पाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या डेडजिला इन आने वाले 100 दिनों में इन बर्फीले पहाड़ों का सामना कर पाएगा और क्या हरा पाएगा इस बर्फीले राक्षस को। और ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी। डे वन पे जब मैं यहाँ पे स्पॉन होता हूँ तो मुझे दूर दूर तक बस पहाड़ी दिखते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी गर्दन लेफ्ट की तरफ घुमाता हूँ तो मुझे अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं, जो कि मेरे हर वर्ल्ड में आ जाते हैं। इन्हें इनवाइट कौन दे रहा है? आगे चलने के बाद मैंने देखा कि कुछ बेजुबान जानवर ठंड से कांप रहे थे और मुझ पर ये बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था, तो चलो उन्हें इस दुनिया से मुक्त कर देते हैं। लेकिन वो लोग तो उल्टा मुझे ही मारने लगे। बताओ, बड़े बदतमीज भालू है। तो उन भालू से काफी देर पिटने के बाद मैं वहां से भाग गया। काफी देर तक मैं ऐसे आगे बढ़ता रहा, लेकिन अफसोस, मुझे इन पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है ये पहाड़ मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुंह नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहे बेचारे। पहाड़ जी तो कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो गए। उसका दिन वहां से आगे निकल चुका था और तभी मैंने देखा कि मौसम भी एकदम साफ हो चुका था और अच्छी खासी धूप निकल चुकी थी। लेकिन अभी के लिए हमें अपने टूल्स वगैरह बनाने पर ध्यान देना होगा। आगे की तरफ मुझे यहाँ पर एक प्लेजर आउटपोस्ट दिखा था, जो कि काफी ज्यादा टूटा हुआ था। शायद से यहाँ के सारे प्लेजर इस जगह को छोड़ के चले गए होंगे। खैर, मुझे क्या, मुझे तो लकड़ियां मिल गई, उनसे मैंने अपने वुडन के टूल्स वगैरह बना लिए थे। वहां से मैंने थोड़े बहुत ग्लोबल स्टोन भी माइंड कर लिए।